नमस्कार, मैं तनु जांगिड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, एक दिन में 46,000 से ज्यादा केस, केरल में बिगड़े हालात। केरल में एक बार फिर कोरोना महामारी का विस्फोट हुआ है। राज्य में 3 महीने के बाद पहली बार एक दिन में 31,445 नए मामले मिले हैं। इससे पहले 30 मई को 30,491 केस सामने आए थे। केरल के कारण पूरे देश में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 46,265 हो गया है और 605 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 34,282 लोग रिकवर हुए हैं। इससे पहले 5 अगस्त को 45,000 नए मामले मिले थे। केरल में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 19% से ज्यादा हो गई है। वहीं ज्यूरिक में इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर साई रेड्डी का कहना है कि कोविड-22 नाम का नया वेरिएंट मौजूदा सबसे घातक डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अफगानिस्तान मामले पर सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ, सभी दलों ने की सराहना। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लगातार हालात बदल रहे हैं और इसी घटनाक्रम पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में विपक्षी दलों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की और अफगानिस्तान के हालात पर उठाए गए कदमों को लेकर सरकार के काम की सराहना की। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं को जानकारी दी और सवालों के जवाब दिए। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा, एनसीपी से शरद पवार, टीएमसी से शुवेंदु शेख रॉय और सौगत रॉय, डीएमके से तिरुचि शिवा, आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता, एआईएमआईएम से अजदुद्दीन ओवैसी आदि शामिल रहे। पंजसीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस में वार्ता, दोनों गुट सीज फायर पर सहमत। अफगानिस्तान के पंजशीर को छोड़कर सभी इलाके तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। पंजशीर में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान को माकूल जवाब दे रहे हैं। इस बीच तालिबान और पंजशीर के प्रतिनिधियों के बीच परवाहन प्रांत की राजधानी चारिकार में वार्ता हुई और दोनों गुट एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमत हुए हैं। वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा बताते हुए अपने नागरिकों से एयरपोर्ट नहीं आने के लिए कहा है। दूसरी ओर तालिबान ने काबुल में टोलो न्यूज के पत्रकार जीआर खान का कैमरा तोड़ दिया और उनसे मारपीट की है। तालिबान बोला, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर, मजहब भी एक। पाकिस्तान के प्रवक्ता जबी उल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया और कहा कि हमारी सीमाएं लगती हैं और मजहब भी एक है, इसलिए हम भविष्य में पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकी संगठन तालिबान के कितना करीब है और वह किस तरह से उसके लड़ाकों को पनाह देता रहा है। जबी उल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लोग आपस में मिले जुले हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने भारत के साथ भी अच्छे संबंधों की उम्मीद जताई। तालिबान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को आपस में बैठकर अपने मुद्दों को हल करना चाहिए। तालिबान भारत समेत दुनिया के तमाम देशों से अच्छे संबंध चाहता है। 6 साल अमेरिका के कैद में रहने वाले खूंखार आतंकी को तालिबान ने बनाया रक्षा मंत्री। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। कुछ अंतरिम मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, जबकि कुछ के नामों पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। अल जजीरा समाचार चैनल के अनुसार तालिबान ने दुनिया के सबसे खतरनाक जेल के कैदी और शांति वार्ता के विरोधी रहे खूंखार आतंकी मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री बनाया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद उसे अमेरिकी सेनाओं ने पकड़ लिया था और 2007 तक ग्वांतानामो बे की जेल में बंदी बनाकर रखा था। चीन को कड़ा संदेश, भारत सहित क्वाड देशों ने शुरू किया मालाबार सैन्य अभ्यास। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने प्रशांत महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। मालाबार 21 के नाम से शुरू हुआ ये संयुक्त युद्धाभ्यास 29 अगस्त तक चलेगा, जिसमें क्वाड के चारों सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। यह मालाबार नौसैन्य अभ्यास का 25वां संस्करण है। चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ क्वाड के संयुक्त सैन्य अभ्यास को काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय नौसेना ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर सामान्य समझ स्थापित करना है। सैन्य अभ्यास में 2 युद्धपोत AP-81 एयरक्राफ्ट और मरीन कमांडो शामिल हैं।
सलाहकारों के विवादित बयानों पर नवजोत सिंह सिद्धू को अल्टीमेटम, कांग्रेस ने कहा कार्यवाही करें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से ही फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सलाहकारों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की ओर से अल्टीमेटम मिला है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को अपने सलाहकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए और अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो फिर पार्टी कार्यवाही करेगी। हरीश रावत का यह बयान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आउट करने की कोशिश में जुटे नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान, कश्मीर और इंदिरा गांधी पर दिए गए बयानों से सुर्खियों में हैं। मालविंदर सिंह माली ने अपने फेसबुक पोस्ट में अमरिंदर सिंह को अलीबाबा और उनके सहयोगियों को 40 चोर बताया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।